हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पर यूनिट सिस्टम के बारे में। पर यूनिट सिस्टम पावर सिस्टम एनालिसिस या फिर मशीन के एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग पर यूनिट सिस्टम यूज क्यों करते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल मैं देकर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दिखाना है तो आप प्राइमरी का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस एक तरफ दिखाएंगे और सेकेंडरी का रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आप एक तरफ शो करेंगे। ओके, इस तरीके से आप कुछ बनाते हैं अपना ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे R1 है, ये X1 है, ये R2 है और ये X2 है। ठीक है ना, तो आपके पास अगर हम बात करें एब्सोल्यूट फॉर्म में, जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर आप पर यूनिट सिस्टम में यूज नहीं करेंगे, तो अगर इस ट्रांसफार्मर का अगर आपको एनालिसिस करना है, KCL केबल लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सर्किट है वो डिसकंटिन्यूअस सर्किट है, आपका जो कैलकुलेशन होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, यानी कि आपके नंबर ऑफ केबल इक्वेशंस बढ़ जाएंगे। या फिर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि आपको अगर करंट की बात करनी है तो अगर प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट ट्रांसफर करना है या रेसिस्टेंस को ट्रांसफर करना है तो उसमें आपको केयर रखना पड़ेगा आपकी, आप के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें या के स्क्वायर से डिवाइड करें या के से मल्टीप्लाई करें, के से डिवाइड करें, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट अगर इसी ट्रांसफार्मर को मैं पर यूनिट सिस्टम में मैं इजिली इसका मैं डायग्राम इस तरीके से बना सकता हूं, इजिली मैं एक रेसिस्टेंस और एक रिएक्टेंस यहाँ पे R पर यूनिट और ये X पर यूनिट इजिली करके मैं इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट डायग्राम पर यूनिट सिस्टम में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसलिए यानी ओवरऑल में मैं बात करूँ कि पर यूनिट सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पर यूनिट सिस्टम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, हम एनालिसिस ईजिली कर पाएं, KVL KCL ईजिली लगा पाएं, हमारे कैलकुलेशन में एरर्स कम हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप पर यूनिट सिस्टम अगर यूज करते हैं तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिफर कर जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए पर यूनिट सिस्टम के बारे में एक एक चीज देखते हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो पर यूनिट सिस्टम के अगर डिफिनेशन की बात करें तो पर यूनिट सिस्टम का डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू द बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। बेस वैल्यू आपको अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करें। देखिए, अगर मैं वोल्टेज बेस की बात करूं तो उसमें बेस वैल्यू में आपको एक याद रखना है, आप बेस वैल्यू कैसे समझिए कि एक वैल्यू है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा बेस वैल्यू होता क्या है, वो आपको खुद से लेना पड़ता है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इसको आपको बेस मान के पर यूनिट एनालिसिस करना है तो आप उसी वैल्यूज को बेस मानेंगे, अदरवाइज जो सिस्टम की जो रेटिंग होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज की रेटिंग है वही उसकी बेस वैल्यू लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बट बेस वैल्यू को चूज करने का तरीका क्या है वो समझिए अच्छे से। बेस वैल्यू को हमेशा हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एंगल के साथ नहीं लिख सकते। अगर मैं बोलूं वोल्टेज बेस, अगर बेस वोल्टेज की बात करें, अगर हम 28 एंगल ऑफ 60 डिग्री लेते हैं बेस को, तो ये गलत तरीका होगा। बेस को हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड में लेना है और उसके साथ एंगल नहीं लेना है। तो बेस वोल्टेज जो लेना होगा वो 20 वोल्ट आप ले सकते हैं, 28 एंगल 60 डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, ये इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, नोट बेस वैल्यू हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो फेज एंगल, इस चीज को याद रखना है। यानी कि पर यूनिट वैल्यू का अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, पर यूनिट वैल्यू का जो डिफिनेशन है, तो पर यूनिट वैल्यू का डिफिनेशन अभी मैंने ऊपर लिखा था आपको, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मान लिया, अगर एक्चुअल वैल्यू 10 एट एंगल 30 डिग्री है और बेस वैल्यू 100 वोल्ट्स है, तो पर यूनिट वोल्टेज क्या होगा, इजिली आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू गिवन इज 10 एट एंगल 30 डिग्री, एक्चुअल वैल्यू आप मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेस वोल्टेज को या बेस क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 10 एट एंगल 30, बेस वैल्यू कितनी है 100, तो 10 एंगल 30 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 एट एंगल 30। तो ओवरऑल हमें यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि जो पर यूनिट वैल्यूज के जो का जो फेज होता है वो एक्चुअल वैल्यू का ही फेज होता है, क्योंकि आप बेस वैल्यू को तो फेज में आप लेते नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, आप उसका फेज एंगल नहीं लेते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बेस क्वांटिटी अगर आप चूज करेंगे तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड चूज करेंगे, ना कि एंगल चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। द फेज ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड पर यूनिट क्वांटिटी ऑलवेज सेम बिकॉज बेस वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा,
अगर परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड करना है और अगर आपको पर यूनिट वैल्यू पता है तो आपको क्या करना है, सिंपली पर यूनिट वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करना है, आप इजिली परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, सपोज परसेंटेज ऑफ आर दिया हुआ है कितना 50, अगर आपको पर यूनिट में चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे 50/100 यानी 0.5 पर यूनिट, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, परसेंटेज आर 50 दिया हुआ है, परसेंटेज आई 25 दिया हुआ है और परसेंटेज वी आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज आप हमेशा नोट रखिएगा, जो ओम्स लॉ होता है वो परसेंटेज में वैलिड नहीं होता, वो पर यूनिट में ही वैलिड होता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको पता है कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि परसेंटेज आर 50 दिया हुआ और परसेंटेज आई 25 दिया, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया वो परसेंटेज भी आ जाएगा, नहीं, कभी आप इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले जब भी परसेंटेज में वैल्यूज दी हुई है, अगर आपको ओम्स लॉ लगाना है तो उसे पर यूनिट वैल्यूज में आप कन्वर्ट करिए, फिर आप ओम्स लॉ लगाइए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। यानी कि ओवरऑल समरी क्या है कि जो ओम्स लॉ है वो पर यूनिट वैल्यूज में तो वैलिड है बट परसेंटेज के फॉर्म में वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है टाइम बचाने के लिए, आप देख सकते हैं पर यूनिट करंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% था तो 25/100 0.25, पर यूनिट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50/100 इज इक्वल टू 0.5, तो वोल्टेज पर यूनिट कितना हो जाएगा आई पर यूनिट इंटू आर पर यूनिट, बिकॉज वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, इसको सॉल्व करेंगे 0.125, यानी वोल्टेज पर यूनिट में 0.125 आ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पर यूनिट वैल्यूज को 100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कैसे आप पर यूनिट वैल्यूज को परसेंटेज में चेंज करेंगे और कैसे परसेंटेज वैल्यूज को आप पर यूनिट वैल्यूज में चेंज करेंगे। परसेंटेज वैल्यूज को अगर पर यूनिट वैल्यूज में चेंज करना है तो उसको 100 से डिवाइड करना है, अगर पर यूनिट वैल्यूज को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इन ए 132 केवी पावर सिस्टम द वोल्टेज एब्जॉर्ब्ड इज 110 केवी, कैलकुलेट पर यूनिट वैल्यू एंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है सर, सिस्टम 132 केवी है बट वहां पे वोल्टेज कितना मिल रहा है सर 110 केवी, तो पर यूनिट वैल्यूज कितनी हो जाएगी, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल रही है 110 और बेस वैल्यू क्या ले लेंगे हम 132 केवी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने क्यों लिया ये समझिए, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में बेस वैल्यू मेंशन नहीं है तो बेस वैल्यू हमेशा आपका वो सिस्टम का रेटिंग ही होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। इफ बेस वैल्यूज आर नॉट गिवेन देन इक्विपमेंट रेटिंग इज कंसिडर्ड एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वैल्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। आपको नहीं खोजना कि बेस वैल्यू क्या लेंगे नहीं लेंगे, जो रेटिंग होगी सिस्टम की या इक्विपमेंट की जो रेटिंग होगी उसको आप लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.834, तो ये आपकी पर यूनिट वैल्यूज होगी। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 83.4% आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पर यूनिट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज पावर सिस्टम, पर यूनिट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज पावर सिस्टम। तो सिंगल फेज पावर सिस्टम में जनरल वे में अगर मैं बात करूं, आपको करना क्या है, आपको पता है एक पावर होता है एपरेंट पावर एस, एसी सर्किट्स में आप तीन तरह के पावर को डिफाइन करते हैं, एस और पी एंड क्यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी आप जब भी बेस पर यूनिट एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको बेस एपरेंट पावर और वोल्टेज एपरेंट पावर आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एस बी एंड वी मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा आप ये बताइए, क्या आप पावर को एस बी इज इक्वल टू क्या आप वी बी इंटू आई बी लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बी का मतलब बेस मैं लिख रहा हूं, कुछ नहीं है ये, तो यहां से आप इजिली बोल सकते हैं आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस बी बाई वी बी, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। वही चीज मैंने यहां लिखा है आई बी इज इक्वल टू एस बी बाई वी बी, और वी बी इज इक्वल टू आप वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड लिख सकते हैं, तो यहां से जेड भी क्या हो जाएगा वी बी बाई आई बी, इसको जब पुट करेंगे आप तो हमारा जेड बी इज इक्वल, बिकॉज आई बी पता है हमें, तो आई बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा एस बी बाई वी बी, यानी वी बी स्क्वायर बाई एस बी, तो आप यानी कि
बेस इम्पीडेंस क्या होता है सर? बेस इम्पीडेंस इज इक्वल टू होता है बेस वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय बेस अपेरेंट पावर। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आई पर यूनिट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आई एक्चुअल बाय आई बेस। वी पर यूनिट लिखना है तो क्या लिखेंगे? वी एक्चुअल बाय वी बेस। जेड पर यूनिट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? जेड एक्चुअल बाय जेड बेस। ठीक है ना, वेयर जेड बेस इज वी बी स्क्वायर बाय एस बी। इसको याद रखना है। सिंपल आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि आप पावर लिखते थे डीसी में वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, सिमिलरली वही चीज यहां भी लिखा हुआ है। तो अब मैंने आर को मैं इधर लेके गया हूं यहाँ पे, बट मैं क्या बोलूंगा? इम्पीडेंस बोलूंगा स्पेशली। तो नया कुछ नहीं है सर इसमें, आपको हर चीज पता है, आपको बस याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ इम्पीडेंस आ गया, वहां रेसिस्टेंस होता था। ठीक है ना, तो अगर मैं एक्चुअल इम्पीडेंस की बात करूं, क्या आप एक्चुअल इम्पीडेंस ऐसे लिख सकते हैं? आर एक्चुअल प्लस जे एक्स एक्चुअल, यानी रिएक्टेंस एक्चुअल। तो पर यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? एक्चुअल बाई बेस। यानी कि अगर हम सॉल्व करना शुरू करें एक्चुअल बाई बेस को, तो क्या हो जाएगा सर? आर एक्चुअल बाई जेड बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर पर यूनिट, और एक्स एक्चुअल बाई जेड बेस को क्या बोलेंगे? एक्स पर यूनिट। यानी ओवरऑल मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि आपको आर पर यूनिट अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आर एक्चुअल बाई जेड बेस। अगर आपको एक्स पर यूनिट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? एक्स एक्चुअल बाई जेड बेस। इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, आप चाहे तो अपेरेंट पावर को भी पर यूनिट में लिख सकते हैं। अपेरेंट पावर क्या हो जाएगा? एस एक्चुअल, एक्चुअल अपेरेंट पावर डिवाइड बाय बेस अपेरेंट पावर। ठीक है ना, तो एस एक्चुअल इज इक्वल टू पी एक्चुअल प्लस जे एक्स एक्चुअल लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू होता है, या माइनस जे क्यू होता है अगर कैपेसिटिव सर्किट हो तो। मैं इंडक्टिव सर्किट लेके बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल समरी क्या है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एस पी पर यूनिट को आप क्या लिखेंगे? पी एक्चुअल बाई एस बेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव पावर का पर यूनिट लिखना है तो एक्टिव पावर को किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे सर? जो अपेरेंट पावर का जो बेस है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। द इम्पीडेंस ऑफ अ थ्री फेज 220 वोल्ट 1 KVA ट्रांसमिशन लाइन इज 15 ओम। कैलकुलेट पर यूनिट इम्पीडेंस, कैलकुलेट पर यूनिट इम्पीडेंस। यानी कि आपको Z पर यूनिट फाइंड करना है। Z पर यूनिट फाइंड करने के लिए आपको एक्चुअल बाई बेस लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं दी हुई है, बट आप क्या करेंगे, जो रेटिंग है उसी को आप बेस क्वांटिटी मानेंगे। यानी वोल्टेज की बेस क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 220, और अपेरेंट पावर की बेस क्वांटिटी क्या दी है? 1 KVA। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Z एक्चुअल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15। Z बेस कैसे निकालेंगे? वी बी स्क्वायर, यानी 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 KVA। 1 KVA का मतलब कितना होता है? 1 × 10³। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.3099। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि बेस इम्पीडेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय अपेरेंट, बेस अपेरेंट पावर। ठीक है ना, अगर मैं पर यूनिट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करूं, ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर में अगर बेस क्वांटिटी, अगर मैं पर यूनिट एनालिसिस की बात करूं, तो ये मैंने सिंपल से एक सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफार्मर को लिखा है। प्राइमरी सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी करंट, दिस इज प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जो अपेरेंट पावर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, हम लोग क्या मान के चलते हैं? सेम लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में अगर मैं बात करूं, प्राइमरी साइड के क्वांटिटीज की बात करूं, तो वीपी बी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी साइड बेस वोल्टेज, प्राइमरी साइड अपेरेंट पावर, प्राइमरी साइड बेस करंट, प्राइमरी साइड बेस इम्पीडेंस। ठीक है ना, तो अगर आपको पर यूनिट वोल्टेज लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय बेस वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड। सिमिलरली ये सारे क्वांटिटीज आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर Z1 पर यूनिट लिखना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे? इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी डिवाइड बाय प्राइमरी का जो बेस क्वांटिटी है इम्पीडेंस का, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी साइड में सिमिलरली मैंने डिफाइन किया, ये सिंबल आपको पढ़ने आना चाहिए। ये सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड का बेस अपेरेंट पावर है, सेकेंडरी साइड का बेस करंट है, सेकेंडरी साइड का बेस इम्पीडेंस है। तो हमें पता है कि जो अपेरेंट पावर होता है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में सेम होता है, तो बेस वैल्यूज भी क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ V2 पर यूनिट निकालना है तो मैं V2 बाई Vs भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बट V2 को क्या आप V1 के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। N2 बाई N1 इंटू V1 करके हम लोग लिख सकते हैं, K1 इंटू K इंटू V। सिमिलरली VSB को K इंटू VP भी लिख सकते हैं, यानी K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये V1 बाई VP भी बन गया, यानी कि V1 बाई VP भी क्या था, V1 पर यूनिट था, यानी यहाँ पे इसको आप V1 पर यूनिट लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी। तो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पर यूनिट वैल्यूज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी हो या विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी हो, वो हमेशा क्या होता है सर, सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि पर यूनिट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी इज ऑलवेज इक्वल टू पर यूनिट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी इन पर यूनिट इज इक्वल टू इम्पिडेंस रेफर टू सेकेंडरी इन पर यूनिट ऑलवेज, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर मैं एक इसी चीज़ को समझने के लिए एक मैं क्वेश्चन लूँ तो लिखें, अ सिंगल फेज 50 हर्ट्स 10 KVA 100 बाई 500 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैविंग पर यूनिट इम्पिडेंस 0.2 रेफर्ड टू प्राइमरी, फाइंड जेड एक्चुअल रेफर टू सेकेंडरी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, PSC लेवल में या JEE लेवल पे क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा इसमें, चूंकि ये 0.2 पर यूनिट वैल्यूज दिया रेफर टू प्राइमरी, बट अभी हमने देखा रेफर टू प्राइमरी या रेफर टू सेकेंडरी वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होता है। तो Z2 पर यूनिट की अगर हम बात करें, Z2 पर यूनिट की वैल्यूज भी कितनी होगी, 0.2 होगा। अच्छा, Z2 पर यूनिट जब आप फाइंड करेंगे तो आपको जो बेस क्वांटिटी लेना पड़ेगा, चूंकि आप सेकेंडरी साइड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो आपको बेस क्वांटिटी सेकेंडरी साइड का ही लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल आपको फाइंड करना है, जेड एक्चुअल आपको फाइंड करना है सेकेंडरी साइड में, डिवाइडेड बाय जो बेस वोल्टेज होगा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लेंगे, यानी कि 500 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। और पावर तो दोनों साइड हम लोग क्या लेते हैं, सेम लेते हैं अपेरेंट पावर, तो यहाँ पे 10 KV दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आएगी, जेड एक्चुअल इज इक्वल टू 5 ओम। अगर इसको और अच्छे से आपको और अच्छे से समझना है, तो यानी कि यहाँ पे जो जेड बेस लेंगे वो सेकेंडरी का लेंगे, जेड एस बेस सेकेंडरी जो होगा वो कैसे आप फाइंड करेंगे, चूंकि यहां पर सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो उसके लिए जो बेस वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी का बेस वोल्टेज होगा, यानी कि 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर, तो दोनों साइड सेम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, 220 बाई 440 वोल्ट सिंगल फेज 1 KVA ट्रांसफार्मर हैज इम्पिडेंस ऑफ 12.1 ओम रेफर टू प्राइमरी, कैलकुलेट द पर यूनिट इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है ना। पर यूनिट इम्पिडेंस रेफर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो होता है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप इजिली देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी हमें फाइंड करना है। तो अगर हम प्राइमरी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं तो हम इजीली बोल सकते हैं, प्राइमरी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 220, ठीक है ना। और एस बेस कितना हो जाएगा, एस बेस हो जाएगा 1 KVA, यानी कि 10³ वोल्ट एम्पियर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो तो जेड बेस जो होगा, जेड बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड बेस हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10³। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यह आएगा 48.4 ओम। तो अगर आपको पर यूनिट Z1 पर यूनिट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू कितना है पर रेफर टू प्राइमरी, 12.1, रेफर टू प्राइमरी दिया हुआ है, तो 12.1 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू 48.4 ओम। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.25 पर यूनिट। अब सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में और प्राइमरी के रिस्पेक्ट में जो पर यूनिट वैल्यूज होती हैं वो सेम होता है, तो ये भी कितना आएगा, 0.25 पर यूनिट। ओके गाइज, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी क्वेश्चंस 3 फेज में आप पर यूनिट एनालिसिस कैसे करेंगे ट्रांसफार्मर केस में, और किस तरीके से आप बेस क्वांटिटीज को चेंज कर सकते हैं, ओल्ड बेस को आप न्यू बेस में चेंज करेंगे, तो
पर यूनिट इम्पिडेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।